नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड दो तीन अपडेट हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में हम बात करेंगे, भाई लोग मालिश से रिलेटेड जाते हैं, ठगी हो जाती है, फाइन भी सरकार ने कितना बढ़ा दिया जबरदस्त तरीके से, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान रखें। तस्करी के मामले में, ई सिगरेट के मामले में पुलिस ने पकड़ा। जी हाँ साथियों, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि आपने देखा होगा दुबई में, अबू धाबी, शारजा में कुछ रोड पे टुकड़े पड़े होते हैं, कार्ड पड़े होते हैं, वो लालच देते हैं बॉडी मसाज वगैरह का। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी मसाज। उससे रिलेटेड एक बंदा दुबई का, मैं बता दूं, मालिश कराने के चक्कर में, बॉडी मसाज के चक्कर में नेट से नंबर निकाले और पहुंच गया उनके घर पे। आगे जाके पता लगा कि चार मस्टुंडे बैठे थे, उनको एक औरत के नाम से उनको बुलाया गया मसाज के नाम से, बाकी उनको लूट लाट के 40,000 दुबई दराम उसके लूटे, ऐसा उन्होंने पुलिस रिपोर्ट में बताया। बाकी कितने लूटे वो तो हम नहीं कह सकते। उसने फिर मुकदमा करवाया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ऐसा ही घटना हो सकती है। इसका मतलब, जानकारी का मतलब यही है, आप भी भाई इन चक्रों में अगर आ जाते हैं तो आपका भी लॉस हो सकता है, फिर दिक्कत आएगी, मुकदमा करना, पुलिस के चक्कर वगैरह वगैरह दिक्कत हो सकती है। तो इन चक्रों से हमें नहीं बढ़ना है। मेन शॉर्ट तरीका इसका यही है, इन चक्रों में नहीं जाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को, इसलिए न्यूज़ आपको बताना ज़रूरी है। 10 सितंबर को सरकार ने घोषणा की हुई, सरकार ने आपको बताया साथियों दुबई ने कि भाई फाइन जो है, जी हाँ, ड्राइविंग का जो लाइसेंस से संबंधित मैं बात करूँगा, फाइन 50,000 दुबई दराम फाइन बढ़ा दिया गया। आपको पता है भाई दुबई में जो फाइन लग गया उसको चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, मैन चुकाए बिना आप आ नहीं सकते, ये फाइनल बात है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो ड्राइवर हैं खासतौर से उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। 10 साल से छोटे बच्चों को आप आगे वाली सीट पर नहीं बिठा सकते, बिठाओगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। 3-4 अपडेट इसमें बता दूँ, 10 साल के बच्चे को अगर आप आगे की सीट पर बिठाना, ओवर स्पीडिंग आप नहीं कर सकते, गाड़ी को जबरदस्त तरीके से भगा नहीं सकते, स्लो स्पीड पे भी नहीं चला सकते, जो मिनिमम स्पीड दी गई है वही स्पीड आपको चलानी होगी। स्विमिंग यानी गाड़ी को ऐसे इलोरे मरवाते, कई लोग रोड पे देखा होगा स्टैंड वगैरह करना, टेलगेटिंग करना, इसकी वजह से दुर्घटना का कारण बन सकता है ये सब चीजें। पैदल जो लोग चल रहे हैं रोड क्रॉसिंग में, उनका ध्यान नहीं रखना सबसे बड़ा। दुबई में आपको पता है साथियों कि रोड क्रॉस कितने जबरदस्त तरीके से होती है, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी आगे तो उसको रुकना पड़ेगा जब तक आप रोड क्रॉस न कर लें। तो इन चीज़ों में अगर वो विफल रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, 5,000 दुबई दराम का फाइन इन चीज़ों में रखा गया है 3-4 कैटेगरी में, तो ये जुर्माना तय है लगना। नए ट्रैफिक रूल जो बना है उसमें लगभग 7,000 दुबई दराम के जुर्माना और ऐड किए गए हैं, तो यानी भयंकर तरीके से जुर्माने लगने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप गलती करोगे तो। इनका मतलब ये है कि जो ड्राइवर है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, यानी पैसेंजर के साथ में, लोगों के साथ में गलत व्यवहार करना, इन सबको देखते हुए जुर्माने, भारी जुर्माने ठोक दिए गए हैं। ड्राइवर एकदम सीधा होके चलेगा, उसको पता है थोड़ी सी गलती करेंगे तो 1 महीने की कमाई 1 दिन में चली जाएगी, तो फिर मैंने भय बिना प्रीत नहीं है, आप समझ सकते हो हमारे राजस्थान में कहावत है भाई, भय बिना प्रीत नहीं है। अगर भय होगा तो आप सही तरीके से चलोगे। दुबई आज वर्ल्ड में नाम होने का रीज़न ये है, अबू धाबी, दुबई, यूएई का, कि उसमें जुर्माना भयंकर तरीके से, तो लोग डरते हैं, और लोग जहाँ डर के रहते हैं मतलब फाइन की वजह से, तो वो गलती नहीं करेंगे, वो अपनी जगह सेफ रहेंगे, वो दूसरे की इज्जत करेंगे, और यही वजह है कि इसी वजह से ये फाइन पे फाइन लगाए जा रहे हैं। इसमें ये भी बोला गया है कि उसका फाइन अगर वो नहीं चुकाता है तो उसकी गाड़ी अगर जब्त होती है तो गाड़ी को बेचा जाएगा, उसकी जो इनकम होगी उससे फाइन भरा जाएगा, उसके बाद में भी बच गया, मान लो 2,000 दुबई दराम फिर बच रहा है तो वो उसके ऐड कर दिया जाएगा उसके जुर्माने में, यानी चुकाना उसी को पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी गाड़ी वो ले गए तो जुर्माना माफ़ हो गया, नहीं, गाड़ी की कीमत के बाद में जो बचेगा वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना भारी जुर्माना आपको अदा करना पड़ सकता है। 10 सितंबर को एयरपोर्ट पे पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, जी हाँ, 25 साल की एज का बंदा था, जिसका कुछ सामान वगैरह था उसके पास में, उनको खोल के चेक किया गया तो उसमें निकली इलेक्ट्रॉनिक जो ई सिगरेट के फिल्टर होते हैं ना, ई सिगरेट जो वहाँ पे प्रतिबंधित है दुबई में, उनके बहुत सारे कार्टून भरे हुए निकले, तरल पदार्थ उनका निकला, यानी वो इलीगल था, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, मुकदमा हो गया। अब आपको पता है क्या होना है, तो भाई इन चीज़ों से अपने को थोड़ा बचना है, सावधानी रखनी है ताकि इन चक्रों में ना आए। आप कमाने के लिए गए हो, थोड़ा सा अपने तरीके से रहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक आप वहाँ पर काम कर सकें, अच्छा पैसा कमा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, वंदे।